हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस खाना बनाना है और मैं नहाकर हो गई रेडी। नहाने से पहले हम लोगों ने नाश्ता बना लिया है, क्या बनाया है वो आप आगे देखिएगा। अभी जो है यहाँ पर नाश्ता निकल रहा है दिया जी का और मैं जा रही हूँ पूजा करने की, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों, नाश्ते में बनाने जा रहे हैं हम और दीदी मिलकर जो है पोहा बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पोहा ले लिया है और ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और यहाँ पे गोभी कट हो गया है, मटर निकाल लिया है मैंने और टमाटर भी निकाले। यहाँ पे दीदी जो है प्याज कट कर रही हैं और साथ के साथ हम लोग सब्जी भी बनाएंगे। तो कढ़ाई जो है गैस पर रख दिया है, इसमें जो है मूँगफली मैं फ्राई करूँगी और दूसरी साइड जो है सब्जी बनेगा तो वो दीदी बनाएंगी। तो मूँगफली फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं काजू, और काजू थोड़ी देर फ्राई करेंगे उसके बाद जो है इसमें डाल देंगे किशमिश। मैंने गैस को जो है बंद कर दिया था क्योंकि कढ़ाई जो है ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए। और अब जो है किशमिश डाल देते हैं और थोड़ी देर बस इसे भुनेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें मखाना भुनेंगे। तो देखिए अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसे जो है निकाल लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा और घी हम डालकर मखाना भून लेंगे। बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और हाथों से दबाएंगे ना तो क्रिस्पी हो जाएगा। तो समझिए कि आपका जो है मखाना रोस्ट हो गया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे है जो इसे हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पे साथ के साथ दोनों चीज़ मैं चला रही हूँ क्योंकि दीदी सब्जी जो है कट भी कर रही है। अब मखाना रोस्ट हो गया, उसे मैंने निकाल लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल और उसके बाद इसमें हम डालेंगे राई, और राई जब तड़क जाएगा तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे गोभी और गोभी को जो है हम भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मटर, और मटर जब भुन जाएगा तब जो है इसमें बाकी सारा चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद जो है दीदी बनाई है। गोभी मटर भुन गया तो उसे निकाल दी और इसी कढ़ाई में फिर से डाली है तेल, और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च का जो है कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें डालेंगे प्याज। और साथ के साथ दीदी सब्जी भी बना रही हैं तो मसाला जो है ऑलमोस्ट भुन गया है, बस उसमें गोभी आलू डालना है और उसके बाद पानी डालकर उसके पकने के लिए छोड़ देना है। और अब जो है इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगी। और साथ के साथ अब जो है सब्जी भी बनाएंगी तो आलू गोभी जो है डाल देंगी मसाले में और उसे मिक्स करने के बाद जो है पानी डालेंगी। तो कुछ इस तरह से जो है खाना बन रहा है। यहाँ पे देखिए आलू गोभी डाल दी है मसाले में, अब बस इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और इधर प्याज भी भुन रहा है, ये देखिए प्याज भुन गया है, तब इसमें डाल देंगी टमाटर। टमाटर जो है बारीक कट किया हुआ है और इसे थोड़ी देर भुनेंगी जब तक कि टमाटर जो है अच्छे से गल न जाए। उसके बाद इसमें डलेगा मसाला। तो मसाले में क्या डलेगा वो मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे दीदी मसाला जो है डाल दी है, मसाले में उन्होंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बस। और उसे मिक्स करने के बाद जो है पोहा इसमें डाल दी है। पोहा बहुत ही खिला खिला है, देख सकते हैं। उसके बाद डाली है नमक, और नमक स्वाद अनुसार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो हम लोग ने आलू गोभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भुन के रखा है वो इसमें हम लोग डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है, कभी आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद इसकी गार्निशिंग की है तो किस तरह से की है वो सब आप आगे देखिएगा। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इधर साथ के साथ सब्जी भी रेडी हो गया है और पोहा रेडी हो गया है। और अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और अब इसे जो है सर्व करेंगे। तब तक जो है मैं नहा कर भी आ गई थी, पूजा भी मैंने कर लिया था और सब्जी में भी धनिया पत्ता जो है दीदी डाल दी हैं। अब नाश्ता जिया जी का निकालेंगे। उस समय मैं आ गई थी, आप लोगों ने देखा जब जिया जी का नाश्ता निकल रहा था तो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। तो बस अब फटाफट से नाश्ता निकाल देंगे। ये देखिए प्लेट में दीदी ने निकाल दिया, इसके ऊपर डाला है बारीक कटा हुआ प्याज और ऊपर से डाल रहे हैं मिक्सचर, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो कभी आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए लगाया हुआ है दीदी के लिए,
दोस्तों पूजा के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता, एकदम टेस्टी टेस्टी लेती हूँ आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैं आ रही हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में आटा बना रही हूँ पिट्ठा, तो इसके लिए यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें बुलबुला जो है आ रहा है, ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। तो अब जो है मैं पहले आटा जो है लगा लूँगी। चावल का आटा यहाँ पर मैंने निकाल के रख लिया है, अब इसे मैं चाड़ लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों आज जो है दोनों बहन मिलकर सुबह से जो है किचन में ही लगे हुए हैं। सुबह में नाश्ता बनाया, पोहा और फिर साथ में सब्जी भी बनाया और यहाँ पे अब जो है पिट्ठा बना रहे हैं। तो उसके लिए आटा जो है मैंने चाड़ लिया है। आज मैं रेशियो आप लोगों को नहीं बताई हूँ, मैंने पहले बता रखा है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा ही मैं जो है पिट्ठा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। बस हम लोग भी ही हैं तो हम ही लोग खाएंगे और दीदी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी को क्या, सबको बहुत ही अच्छा लगता है पिट्ठा। जो बिहार से है उन्हें पता होगा कि सबको बहुत ही अच्छा लगता है पिट्ठा, बहुत ही इस माह में ज़रूर बनता है। तो बस मैं सबके लिए जो है पिट्ठा बना रही हूँ। मैं क्या, हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। यहाँ पे आटा जो है चाड़ लिया, उसके बाद उसको ढक के रख दिया है मैंने। अब यहाँ पे जो है मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने मटर और मूंगफली को रोस्ट किया, उसके बाद उसमें डाला है मसाला, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू, नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस ये स्टफिंग जो है रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं खोवा का जो है तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैंने दूध भी जो है गैस पर रख दिया है और आटा जो है दीदी लगा के रख दी है। अब जो है इसको भरने का काम करना है। तो यहाँ पे मैं जो है आटा को दो पोर्शन में लूँगी और यहाँ पे देखिए खोवा को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो बस साथ में दोनों मिलकर आज जो है बना रहे हैं पिट्ठा। बहुत ही जल्दी आज बन जाता है पिट्ठा। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है अकेले, लेकिन कोई साथ में हो तो जल्दी बन जाता है। और ज़्यादा मैंने बनाया भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही मैंने बनाया है। तो बस मिलकर दोनों ने बना लिया है। बातें करते करते कब पिट्ठा बन गया पता ही नहीं चला, ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए आप लोग देखिए। पिट्ठा जो है बन गया है। अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने। देखिए यहाँ पे सारा पिट्ठा बना हुआ है
साथ के साथ दीदी बर्तन भी साफ कर रही है। पहले मैं भोग लगा देती हूँ। तो दोस्तों ठाकुर जी को अर्चन करने के बाद ना हम लोगों ने थोड़ी देर जो है रेस्ट किया है, बैठकर हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और जिया जी सोए हुए थे तो वो जगे हैं तो उनको हम लोगों ने खाना खिलाया, वो नहाए हैं, उसके बाद उन्होंने खाना खाया है और हम लोगों ने भी एक एक जो है पिट्ठा टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा बना था। और फिर इनका वेट किया है कि ये आ जाए तब हम लोग जो है प्रॉपर खाना खाएँ। तो ये आए हैं 3 बजे, उसके बाद जो है हम लोग साथ मिलकर तीनों जो है खाना खाए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। इस बार पिट्ठा बनाने में भी मज़ा आया और खाने में भी बहुत ही मज़ा आया। एक्चुअली पिट्ठा बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, जैसा कि आपको पता है, अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा, आप बनाते होंगे तो पिट्ठा बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। और इस बार जो है दीदी के साथ बनाई तो बात करते हुए कब पिट्ठा बन गया पता ही नहीं चला, बहुत ही जल्दी जो है पिट्ठा बन गया, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे दीदी दिल्ली में भी बनाती है लेकिन यहाँ आई हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में जो है पिट्ठा बनाया जाए, अकेले थोड़ा बनाना टफ़ होता है और वैसे भी वो जॉब करती हैं तो उन्हें और दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ आने के बाद हम लोगों ने पिट्ठा की तैयारी की है और पिट्ठा बनाया है। बहुत ही अच्छा लगा इस बार पिट्ठा बना कर भी और खा कर भी, बहुत ही इंजॉय किया है। और बिहार का जो पिट्ठा बनता है इस मंथ में, दिसंबर या जनवरी में, इस मंथ में ये पिट्ठा जो बनता है ना इसी टाइम ज़्यादातर लोग बनाते हैं, हर वक्त लोग बहुत कम बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, इसलिए ज़्यादा ये लोग अगर पसंद करते हैं तो ही किसी और दिन बनाते हैं, नहीं तो ये पूस के माह में ज़रूर बनता है। तो बहुत ही फेमस है ये, इस माह में बनना ये ज़रूरी है, सब लोग बनाते हैं। किस किस के यहाँ बना है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को जो है लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।